Everyone, welcome back to our channel. Today's reading is research using twins. The categories like matching information, matching headings, yes, no, not given, and true, false, not given are discussed in this particular reading. So if you have problem in any of these categories, then you must not avoid this video. This video is just made for you. So without any delay, everyone, let's get started with our reading explanation. The first question category here is true, false, not given. Question number one is, there may be genetic cause for the difference in how young the skin of the identical twins look. वो बोल रहे हैं कि पक्का हमारे genes का ही कोई ना कोई कारण होएगा कि हमें differences पता करने होंगे. There may be genetic cause for the differences in how young the skin of identical twins look. कि जो identical twins है, जो दो बच्चे एक जैसे लगते हैं, उनकी स्किन इतनी यंग कैसी है, उसके पीछे पक्का और पक्का जेनेटिक रीजंस ही होंगे. उनके जो स्किन के स्किन कलर में डिफरेंसेस है, उसके पक्का पीछे जीन्स का ही राज होएगा. आंसर इज फॉल्स. ऐसा नहीं है जीन्स की वजह से एक बच्चा यंग और एक बच्चा थोड़ा ओल्ड, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता. एवरी वन, फर्स्ट पैराग्राफ में ना नीचे से फोर्थ लाइन में गिवन है, एनी डिफरेंस बिटवीन देम, वन ट्विन हैविंग यंगर लुकिंग स्किन फॉर एग्जाम्पल मस्ट बी ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. वो अभी जो भी डिफरेंस होएगा, लेट्स से एक बच्चे की जो स्किन है वो यंग दिख रही है, दूसरे की नहीं दिख रही, उसके पीछे रीजन क्या है, वो होएगा जी इन्वायरमेंटल फैक्टर. मे बी उस बच्चे ने कम सन में टाइम स्पेंड किया हो, एक बच्चे ने ज़्यादा किया हो. सो इन्वायरमेंटल रीजन हो सकते हैं, जेनेटिक रीजन्स नहीं है. सो यहाँ से हमारा आंसर कॉन्ट्रेडिक्ट करके हो गया फॉल्स. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर टू. Twins are at a greater risk of developing certain illnesses than non-twins. की वो बोल रहे हैं जो twins है उनमें ज़्यादा possibility है कि उनको कोई बीमारी हो जाए, non-twins को नहीं होएगी. Answer is not given. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दीवा ने एक चीज़ mention ही नहीं हुई है इसमें. कैसे? अभी illness की बात ना next paragraph में यहाँ पर हुई थी कि fraternal twins होते हैं, identical twins होते हैं. फिर उन्होंने यहाँ पर last line में disease की भी बात की है. Then vulnerability to disease must be rooted at least one part of the heredity. कि अगर कोई एक बच्चे में let's say कोई problem आ रही है, कोई ailment हो गया है, कोई मुश्किल आ रही है, कोई disease हो गया है, तो पक्का उसके ब्लड में होगी. लेकिन ये मेंशन नहीं है कि नॉन ट्विंस के कंपैरेटिवली ट्विंस में ज़्यादा ऐसी डिजीजेज होती हैं, ऐसी बात नहीं हुई. तो आंसर ये हो गया नॉट गिवन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री. थर्ड क्वेश्चन इज, बोचर एडवर्टाइज्ड इन न्यूज़पेपर फॉर ट्विंस हु हैड बीन सेपरेटेड एट बर्थ. कि बोचर ने एडवर्टीजमेंट की थी न्यूज़पेपर में उन ट्विंस की जो अपने बर्थ के टाइम ही उनको सेपरेट कर दिया गया था. आंसर इज अगेन नॉट गिवन. एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको मिलेगी, यस, इसकी लोकेशन एवरीवन हमें मिल रही है ऑन द फर्स्ट पेज ओनली. फर्स्ट पेज में अगर आप मूव कीजिए इन द पैराग्राफ, जो राइट हैंड साइड पर हमें पैराग्राफ गिवन है उसमें नीचे से ना आपको फिफ्थ सिक्स लाइन में गिवन होएगा, ओवर टू डिकेड्स 137 सेट्स ऑफ ट्विंस इवेंचुअली विजिटेड थॉमस बोचर्ट. कि जो थॉमस बोचर्ट था उसकी लैब में इतने लोग आए थे, ठीक है, उसने बहुत सारी स्टडी की थी जो डिफरेंट थे, रियर्ड अपार्ट, मतलब जिनको पाला पोसा अलग अलग आया था. लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं मेंशन कि उसने एडवर्टीजमेंट की थी न्यूज़पेपर में फिर जाकर वो आए हैं, इस चीज़ की बात नहीं है. तो हमारा आंसर हो गया यहाँ से नॉट गिवन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. एपिजेनेटिक प्रोसेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम बोथ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस. जो एपिजेनेटिक प्रोसेसेस होते हैं वो जेनेटिक और इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस से अलग होते हैं. आंसर इज ट्रू एवरीवन. इसकी लोकेशन आपको मिलेगी ऑन द सेकेंड पेज. सेकेंड पेज पर ना आपको एपिजेनेटिक प्रोसेसेस वाला पैराग्राफ मिलेगा. यहाँ पर लिखा है एवरीवन, फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू द रीसेंट फील्ड कॉल्ड एपिजेनेटिक्स, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है. देर इज थर्ड फैक्टर ऑल्सो इन प्ले. तीन फैक्टर्स हैं जो प्ले में है, दैट मीन्स एक तो हो गया जीन्स, इन्वायरमेंट और फिर आ गया एपिजेनेटिक. वन इज इन सेम केसेस सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन इन्वायरमेंट एंड अवर जीन्स. इन्वायरमेंट और अवर जीन, जो हमारे जीन्स हैं उनमें कोई अगर लिंक मेंटेन कर रहा है वो कर रहा है जी एपिजेनेटिक्स. दैट मीन्स एपिजेनेटिक्स इन्वायरमेंट या जीन्स नहीं होते, वो कुछ डिफरेंट चीज़ होती है. एपिजेनेटिक्स क्या होते हैं जी? दीज आर केमिकल रिएक्शंस. ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ना ये जीन है ना ये इन्वायरमेंट प्रोसेस है, इन सबसे डिफरेंट है. सो आंसर फ्रॉम हियर इज ट्रू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी. उसमें हमें क्या है? रिसर्चर्स गिवन है, हमें करेक्ट रिसर्चर को मार्क करना है. फिफ्थ क्वेश्चन इज, कोई इंसान है इन्वेंटेड अ टर्म यूज्ड टू डिस्टिंग्विश टू फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स. कि ह्यूमन के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ह्यूमन के जो फीचर्स हैं, दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो उनको अफेक्ट कर रहे हैं, उनको डिस्टिंग्विश, उसको अलग अलग
बताने के लिए कि वो दो फैक्टर्स कौन है, उसके वास्ते एक टर्म किसी बंदे ने इन्वेंट की थी, वो बंदे का नेम क्या था? आंसर इज ए, फ्रांसिस गैल्टन. फ्रांसिस गैल्टन ने वो टेक्निक के बारे में बताया था. एवरीवन फर्स्ट पेज पर मूव करना, राइट हैंड साइड पर आपको पैराग्राफ मिलेगा, उसमें थर्ड नंबर लाइन में लिखा है इंग्लैंड इंग्लिश साइंटिस्ट फ्रांसिस गैल्टन फर्स्ट सजेस्टेड द अप्रोच. उसने पहली बार अपने एक अप्रोच के बारे में बात की एंड कॉइंड द फ्रेज, और फिर उसने एक फ्रेज कॉइन की. कॉइन का एवरीवन मतलब होता है हमेशा किसी वर्ड को इन्वेंट करना, कुछ इन्वेंट करना. उसने क्या इन्वेंट किया जी? वर्ड नेचर एंड नर्चर. उसने इस पर्टिकुलर वर्ड को इन्वेंट किया था जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स थी. सो नेचर और नर्चर डिफरेंट थिंग्स होगी ना. सो यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ गया फिफ्थ का, दैट इज फ्रांसिस गैल्टन. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स. Sixth question here is, express the view that the study of epigenetics will increase our knowledge. किसी बंदे ने अभी बोला कि अगर हम epigenetics को study करेंगे तो उससे हमारी knowledge increase हो जाएगी. ये था जी Daniel Reed. Daniel Reed ने ये बोला कि epigenetics की study से हमारी knowledge increase होएगी. Last paragraph में ना whole passage के लिखा है जी, having said that, Reed adds. Reed ने क्या बोला? Latest work in epigenetics promises to take our understanding even further. कि अगर हम जो लेटेस्ट एपिजेनेटिक्स का वर्क है उसको पढ़ेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, दैट मींस हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी. यहाँ से रीड्स का आंसर आया, एवरीवन सिक्स का आंसर आया, दैट इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर सेवन, डेवलप्ड अ मैथमेटिकल मेथड ऑफ मेजरिंग जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस. एक बंदे ने अभी एक मैथमेटिकल मेथड को इन्वेंट कर डाला था कि वो जीन्स को मेजर कर सके, कि जीन्स का प्रभाव कैसे पड़ता है. आंसर इज थॉमस बुचर्ड. थॉमस ने एक मैथमेटिकल मेथड को इन्वेंट किया था. एवरीवन इसकी लोकेशन फर्स्ट पेज पर, जो आपको बुचर्ड एंड हिज कोलीग्स वाला पैराग्राफ है ना वहाँ पर मिलेगा. बुचर्ड एंड हिज कोलीग्स यूज्ड द माउंटेन ऑफ डाटा. उसने डाटा को यूज किया टू आइडेंटिफाई हाउ फार ट्विंस वर अफेक्टेड, कि ट्विंस कितने ज़्यादा अफेक्ट हुए थे जीन से. उसकी वजह से उसको लिए लेकर उसने डाटा को क्या क्या एनालाइज किया. द की टू दिस अप्रोच वॉज अ स्टेटिस्टिकल कंसेप्ट कॉल्ड हेरिटेबिलिटी. उन्होंने एक स्टेटिस्टिकल कंसेप्ट यूज किया. अभी एवरीवन स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? फिगर, डाटा, नंबर्स ऐड करना ना. सो नंबर यहाँ से स्टैटिस्टिकल से पता चल गया, मैथमेटिकल कंसेप्ट है. किसने यूज किया जी? बुचर ने. यहाँ से एवरीवन सेवेंथ का आंसर आ गया हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर एट, पायोनियर रिसर्च इनटू जेनेटिक्स यूजिंग ट्विंस. ये पहला बंदा था जिसने जेनेटिक्स के ऊपर जो रिसर्च करनी स्टार्ट की थी ट्विंस में. पायोनियर का मतलब था कोई काम पहली बार स्टार्ट करना. सो ट्विंस के जो जिन जीन्स थे उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट इस बंदे ने की थी. आंसर इज फ्रांसिस गैल्टन. अगेन फर्स्ट पेज पर मूव करना पड़ेगा आपको, राइट हैंड साइड पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहां पर. द आइडिया ऑफ यूजिंग ट्विंस टू मेजर द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी डेट्स बैक टू 1875. 1875 में ही सबसे पहले फर्स्ट टाइम पर जो ट्विंस के जो जीन्स है उसके हेरिडिटी है उसके यूज करने का आइडिया आया था. किसको आया था? व्हेन द इंग्लिश साइंटिस्ट फ्रांसिस गैल्टन फर्स्ट सजेस्टेड द अप्रोच. जो फ्रांसिस गैल्टन था उसने पहली बार एक अप्रोच को सजेस्ट किया और उसने ही पहली बार ये जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह थे कंडक्ट किए थे. सो कौन सा पहला बंदा था? आंसर इज फ्रांसिस गैल्टन फ्रॉम हियर, विच इज ऑप्शन ए फॉर एथ क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन एवरीवन. नाइन्थ क्वेश्चन हियर इज, कैरीड आउट रिसर्च यूजिंग ट्विंस हु लिव्ड अपार्ट. इस बंदे ने भी क्या किया? रिसर्च के एक्सपेरिमेंट किया उन ट्विंस के ऊपर जो अलग अलग रहते थे, हु हैड लिव्ड अपार्ट, जो अलग अलग बड़े हुए थे. आंसर इज थॉमस बुचर्ड. अगेन एवरीवन फर्स्ट पेज पर मूव करना है आपको, फर्स्ट पेज पर जो राइट हैंड साइड पैराग्राफ है ना वहां से आपको रीड करना पड़ेगा थोड़ा. आपको बीच में यहाँ पर मिलेगा 1980s विद द अराइवल ऑफ स्टडीज इनटू आइडेंटिकल ट्विंस. आइडेंटिकल ट्विंस के ऊपर हमने स्टडीज करनी स्टार्ट कर दी. हु हैड बीन सेपरेटेड एट बर्थ, जिनको जन्म पर ही सेपरेट कर दिया गया था और जब वो बड़े हो गए थे तब उनको यूनाइट किया गया था, मिला दिया गया था. ओवर टू डिकेड 20 सालों में 137 ट्विंस को ट्विंस ने विजिट किया था थॉमस बुचर्ड की लैब में. दैट मीन्स कि थॉमस बुचर्ड था जिसने इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया. जो ट्विंस जन्मे तो इकट्ठे थे लेकिन उनको फिर अलग अलग कर दिया गया. सो यहाँ से आंसर आ गया एवरीवन नाइन का, थॉमस बुचर्ड, विच इज ऑप्शन नंबर बी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी. अभी हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? ऑप्शंस अवेलेबल है, हमने सिर्फ अपने आंसर्स को लिखना है यहाँ पर. एपिजेनेटिक प्रोसेसेस. क्वेश्चन नंबर 10th इज, इन एपिजेनेटिक प्रोसेसेस डैश इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ अवर जीन्स. कि कोई चीज है वो हमारे जीन्स की एक्टिविटी को चेंज करती है, इन्फ्लुएंस करती है. आंसर इज डी, केमिकल्स ये सब काम करते हैं. सेकेंड पेज पर मूव कीजिए सारे बच्चे, वहां पर आपको एपिजेनेटिक प्रोसेसेस वाला पैराग्राफ मिलेगा. यहाँ पर लिखा है जी, एपिजेनेटिक प्रोसेसेस आर केमिकल रिएक्शंस. ये केमिकल रिएक्शंस है
टाइड टू नीदर नेचर और नर्चर, ना ये नेचर है ना ये नर्चर है, ना ये जीन्स है ना कैसे हम इसको पालते पूछते हैं, सो ना ही ये जीन्स है ना ही एनवायरमेंट है, बट रिप्रेजेंटिंग, ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, व्हाट रिसर्चर्स हैव कॉल्ड थर्ड कंपोनेंट, ये थर्ड कंपोनेंट होता है जो एपिजेनेटिक्स होता है, दीज रिएक्शंस, ये जो केमिकल रिएक्शंस है इन्फ्लुएंस हाउ अवर जेनेटिक कोड इज एक्सप्रेस, सो ये जो केमिकल रिएक्शंस है ये हमारे जीन्स को अफेक्ट करती हैं जी, इन्फ्लुएंस करती हैं, वहां पर लिखा था एपिजेनेटिक्स में कौन चीज है जो इन्फ्लुएंस कर रही है, आंसर इज केमिकल, केमिकल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यहाँ से 10th का आंसर आ गया। नाउ एवरीवन क्वेश्चन नंबर 11, फॉर एग्जाम्पल इन क्रिएटिंग अवर इंटरनल डैश, कोई हमारी अंदरूनी जो इंटरनल चीज है उसको बनाने के वास्ते भी जो ये पर्टिकुलर चीज है ना ये इन्फ्लुएंस करती है, आंसर इज बी फॉर दिस थिंग, और ये भी आंसर हमें सेम पैराग्राफ से मिल रहा है, उसी पैराग्राफ में नीचे से आपको रीड करने पड़ेगा 4th लाइन में, हाउ ईच जीन इज स्ट्रेंथेंड, हर एक जीन को पावर कैसे मिलती है, हर एक जीन वीक कैसे होता है, इवन टर्न ऑन एंड ऑफ, और हर एक जीन ऑन एंड ऑफ कैसे हो जाता है, टू बिल्ड अवर बोन्स एंड ब्रेन्स एंड ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी के पार्ट्स कैसे बनते हैं एवरीवन, हमारी बोन्स कैसे बनती है, ब्रेन कैसे बनता है, अभी बॉडी के अंदर ही पार्ट्स होंगे ना, इंटरनल कौन सी चीज को हमने देखा, इंटरनल हमने देखा एवरीवन ऑर्गन्स को, बॉडी के पार्ट्स को, यहाँ से बी आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द स्टडी ऑफ एपिजेनेटिक प्रोसेसेस इज अनकवरिंग अ वे इन विच अवर जीन्स आर अफेक्टेड बाय अवर डैश, अभी जो एपिजेनेटिक प्रोसेसेस की हम स्टडी कर रहे हैं ना इससे हम पता लगा रहे हैं कि कैसे हमारे जीन्स अफेक्ट होते हैं किसी हमारी चीज से ही, आंसर इज ई एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट से हमारे जीन्स कैसे चेंज हो रहे हैं एवरीवन। सेकेंड पेज पर जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर लास्ट पैराग्राफ है ना, वन वे ऑफ द स्टडी, वो वाले पैराग्राफ में आपको रीड करना है, वन वे द स्टडी ऑफ एपिजेनेटिक इज रेवोल्यूशनाइजिंग, रेवोल्यूशनाइजिंग का मतलब होता है एवरीवन अपडेट करना, चेंज करना, कि एक जो हम एपिजेनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो रही है, रेवोल्यूशनाइज हो रही है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी इज बाय रिवीलिंग, उन्होंने कुछ पता लगाया है, क्या पता लगाया है, एक मैकेनिज्म बाय विच द इन्वायरमेंट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स अवर जीन्स, अभी किसने इम्पैक्ट किया जी हमारे जीन्स को, इन्वायरमेंट ने, यहाँ से एवरीवन 12th का आंसर आ गया इन्वायरमेंट विच इज अवर ऑप्शन ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, वन एग्जाम्पल इज दैट, इसकी एक एग्जाम्पल हमें मिल रही है, इफ अ प्रेग्नेंट रैट सफर्स स्ट्रेस, अगर तो एक प्रेग्नेंट रैट जो है वो स्ट्रेसफुल है, ठीक है, द न्यू बॉर्न रैट में लेटर शो प्रॉब्लम इन इट्स डैश, तो जो नया रैट है ना उसमें भी कोई प्रॉब्लम होंगी, हमने बताना है किस चीज में प्रॉब्लम होगी, आंसर इज एफ, उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम होगी अगर जो अभी वाला रैट है वो स्ट्रेस में है, तो सेम पैराग्राफ एवरीवन, सेम पैराग्राफ में ना अभी वहां पर हमें एनिमल्स की स्टडी की बात हुई थी, वहां पर रैट के एक्सपीरियंस की भी बात हुई है कि रैट वहां पर स्ट्रेस में है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसकी वजह से एपिजेनेटिक चेंजेस होंगे फीटस को, फीटस इज द बेबी जो उनके स्टमक में बेबी होएगा उसको, दिस लीड्स टू बिहेवियरल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कौन सी आई एवरीवन, बिहेवियर में प्रॉब्लम आई, यहाँ से एवरीवन 13 का आंसर आ गया विच इज अवर ऑप्शन नंबर एफ बिहेवियरल। लेट्स मूव टू द सेकंड पैसेज नाउ, अभी हमारे पास सेकंड पैसेज क्या गिवन है जी, सेकंड पैसेज का नेम है एन इंट्रोडक्शन टू फिल्म साउंड, कि फिल्म के साउंड में कैसे आता है, फिल्म के साउंड की कैसी इंपॉर्टेंस है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 इज, इन द फर्स्ट पैराग्राफ द राइटर मेक्स अ पॉइंट दैट, पहले पैराग्राफ में राइटर ने कुछ बोला है, उसने क्या बोला है जी, आंसर इज बी, इट वुड बी रॉन्ग, ये बहुत गलत बात होगी, टू ओवरलुक अवॉइड करना द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड टू द आर्टिस्ट्री ऑफ फिल्म, कि अगर हम ये चीज कि साउंड इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम साउंड की इंपॉर्टेंस को इग्नोर कर देना ये बहुत ही बुरी बात होगी एक फिल्म में, ये फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर ने इसकी बात की है। एवरीवन लेट्स मूव टू फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में मूव करना, आप फर्स्ट लाइन में रीड करना, दो वी माइट थिंक ऑफ फिल्म एज एन एसेंशियल विजुअल एक्सपीरियंस, नो डाउट जब भी हम फिल्म देखते हैं हम देखते थे बोरे वाह विजुअल्स कितने अच्छे हैं, व्यूज कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी स्क्रीन है, सो हम ये चीज़ की बात करते हैं, वी रियली कैनॉट अफोर्ड, हम ये कीमत तो चुका ही नहीं सकते, हम ये चीज़ हम ये रिस्क तो ले ही नहीं सकते, टू अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट मतलब अवॉइड करना, किसको अवॉइड करें जी, फिल्म के साउंड को, सो उसकी जो इम्पोर्टेंस है हम उसको अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते, यहाँ से एवरीवन 14 का हमारा आंसर आ रहा है विच इज अवर ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, वन रीजन दैट द राइटर रेफर्स टू हम्फ्रे बोगर्ट इज टू एग्जाम्पलीफाई, एक रीजन है कि राइटर ने हम्फ्रे बोगर्ट की एग्जाम्पल दी है वो क्या है, आंसर इज ए, द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टर एंड द करेक्टर अपेयरिंग टू हैव सिमिलर पर्सनैलिटी, की एक एक्टर और जो करेक्टर है उन दोनों की पर्सनालिटी सिमिलर है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में उन्होंने हम्फ्रे बोगर्ट की एग्जांपल दी है।
एवरीवन, लेट्स मूव टू हम्फ्रे बॉगर्ट. हम्फ्रे बॉगर्ट की बात हुई थी इन द सेकेंड पैराग्राफ. सेकेंड पैराग्राफ में ना आपको मिलना था नीचे से कुछ लाइंस में, दस फॉर एग्जाम्पल एक्टर हम्फ्रे बॉगर्ट. वहां से हम्फ्रे बॉगर्ट का हमें नेम मिल गया. इस करेक्टर, वो करेक्टर है जी सैम स्पेट. फिल्म पर्सनैलिटी एंड लाइफ पर्सनैलिटी सीम टू मर्ज. उनकी फिल्म की पर्सनैलिटी और जो उनकी असली जिंदगी की पर्सनैलिटी है ना, वो मर्ज होगी. मर्ज मतलब मिक्स होगी. दैट मीन्स उन दोनों की, जो करेक्टर था और जो रियल में एक्टर है ना, उन दोनों की पर्सनैलिटी सेम है. यहाँ से एवरीवन 15 का आंसर आ रहा है, विच इज अवर ऑप्शन नंबर ए. लेट्स मूव टू 16th क्वेश्चन. इन द थर्ड पैराग्राफ राइटर सजेस्ट, राइटर ने थर्ड पैराग्राफ में ना किसी चीज की बात की है, वो क्या है जी? आंसर इज बी. फिल्म डायलॉग्स दैट अपीयर टू बी डल मे हैव अ स्पेसिफिक पर्पस. जो फिल्म के डायलॉग हमें बोरिंग बोरिंग से लग रहे हैं ना, डल से लग रहे हैं, इतने इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे, पक्का उनका कोई ना कोई पर्पस, उनका कोई ना कोई मेन मोटिव होएगा ही होएगा. लेट्स मूव टू एवरीवन थर्ड पैराग्राफ. थर्ड पैराग्राफ में मूव करते हैं, स्टार्टिंग से थोड़ा पहले रीड करते हैं, फिर हम सेंटिमेंट से रीड करेंगे. व्हेन वॉइस टेक्सचर्स फिट, सॉरी, व्हेन द वॉइस टेक्सचर्स फिट द परफॉर्मर्स फिजियोजनॉमी एंड जेस्चर्स. जब तो एक बंदा परफॉर्म कर रहा है और जो वॉइस है ना उसके साथ एकदम मैच कर रही है, एकदम मिल रही है ना उसके साथ, होल एंड वेरी रियलिस्टिक पर्सोना अमर्जेस. तो हमें लगता है कि या ये तो सच्ची में बंदा वही बोल रहा है, तो हमें एकदम रियल रियल से एक्सपीरियंस होता है. दैट मीन्स वॉइस मैच होनी बहुत इंपॉर्टेंट है एक करेक्टर के साथ. फिर एवरीवन सेंटर में अगर आप रीड कीजिए, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर लिखा है इन द हाईली सक्सेसफुल साइंस फिक्शन फिल्म 2001. एक हमारे पास ना फिक्शन फिल्म आई थी साइंस फिक्शन 2001, उसमें क्या हुआ था, लिटिल डायलॉग वॉज एविडेंट. उस पूरी की पूरी फिल्म में बहुत ही कम डायलॉग यूज हुए थे. मोस्ट ऑफ इट वॉज बैनर. जितने भी इसमें यूज हुए थे वो सारे बोरिंग थे एंड ऑफ लिटिल इंट्रेंसिक इंटरेस्ट. और लोगों का इंटरेस्ट भी डायलॉग्स में बहुत ही कम था. इन दिस वे द फिल्म मेकर्स वर एबल टू पोर्ट्रे व थॉमस सोबोचन एंड विवान सोबोचक calls in an introduction to the film the inadequacy of human responses when compared with the magnificent technology created by man and visual beauties of the universe. तो वो बोल रहे हैं कि ये ही एक तरीका था. In this way, इस तरीके से जो फिल्म मेकर थे इन दोनों के, उन्होंने नेम लिए हैं कि इन दोनों ने जो चीज दिखाने की कोशिश की, उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की, उन्होंने टेक्नोलॉजी को दिखाने की कोशिश की कि ह्यूमन ने कैसी टेक्नोलॉजी क्रिएट की है, उन्होंने विजुअल्स को दिखाने की कोशिश की. सो क्योंकि उन्होंने बहुत कम डायलॉग्स यूज किए थे, तो सारा का सारा फोकस उनका फिल्म के ऊपर था, उस स्टोरी के ऊपर था, वो जो इन्फॉर्मेशन शो करना चाहते थे उसके ऊपर था. अगर तो वो गुड डायलॉग्स भी ले आते तो सभी लोगों का इंटरेस्ट डायलॉग के ऊपर जाना था. सो अगर उन्होंने बोरिंग डायलॉग्स भी वहां पर रखे थे तो उसकी भी अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस थी. एवरीवन, यहां से हमारा आंसर आ रहा है 16 का, विच इज अवर ऑप्शन दैट इज नथिंग अदर देन बी, कि फिल्म डायलॉग जो हमें बोरिंग लगते हैं उनका पक्का कोई ना कोई स्पेसिफिक जो पर्पस है वो होएगा होएगा. नाउ 17th क्वेश्चन, व्हाट डज द राइटर सजेस्ट अबाउट ब्रिंगिंग अ बेबी. राइटर ने इस पर्टिकुलर मूवी के बारे में क्या बोला है. आंसर इज डी. द नेचर ऑफ द डायलॉग एम्फसाइजेस की एलिमेंट्स ऑफ द फिल्म. ये जो नेचर, ये जो डायलॉग थे ना, इनका फोकस, इनका मेजर फोकस फिल्म के कुछ गुड गुड एलिमेंट्स शो करने में ही था. एवरीवन, इसकी लोकेशन हमें मिल रही है ऑन द पेज नंबर फर्स्ट. अगेन फर्स्ट पेज पर जो राइट हैंड साइड लास्ट पैराग्राफ है ना, वहाँ पर गिवन है द कॉमेडी ब्रिंगिंग अ बेबी. सो ये मूवी का नहीं मिल गया. ऑन द अदर हैंड प्रेजेंट प्रैक्टिकली नॉन स्टॉप डायलॉग. इस मूवी में तो ना मतलब नॉन स्टॉप ही डायलॉग यूज हुए हैं. हमने डायलॉग्स की बारिश ही कर दी है. डिलीवर्ड एट ब्रेकनेक स्पीड, बहुत ही ज़्यादा स्पीडों में उन्होंने डायलॉग्स यूज किए हैं. दिस यूज ऑफ डायलॉग अंडरस्कोर्स नॉट ओनली डिजी क्वालिटी ऑफ द करेक्टर प्लेड बाय कैथरीन हेपबर्न बट ऑल्सो द अब्सर्डिटी ऑफ द फिल्म इटसेल्फ एंड इट्स ह्यूमर. कि क्योंकि हमने इतना ग्रेट, इतने ज़्यादा डायलॉग्स यूज किए हैं, तो इसने सिर्फ अंडरस्कोर, अंडर एस्टिमेट जो ये करेक्टर की डीजी सी क्वालिटी थी, इतनी गुड वे में ये जो करेक्टर परफॉर्म नहीं हुआ था, जो ये करेक्टर हमें गुड गुड सा नहीं लग रहा था, सिर्फ डायलॉग्स ने उसको कवर नहीं किया, जबकि जो ये फिल्म इतनी कॉमेडी थी उसको भी इस चीज़ ने कवर किया. दैट मीन्स कि डायलॉग का बहुत ही मेजर रोल प्ले हुआ था इस पर्टिकुलर मूवी में. सो एवरीवन, यहां से 17 का आंसर हमें क्या मिल रहा है. अवर आंसर इज डी, कि जिस तरीके से ये नेचर, ये डायलॉग्स यूज हुए हैं तो वो हमारी फिल्म को ही शो कर रहे हैं. जितने ज़्यादा डायलॉग्स यूज हुए हैं, जितने ज़्यादा फास्ट वे में डायलॉग यूज हुए हैं, उतनी वो कॉमेडी मूवी हमें लग रही है. सो की एलिमेंट्स ही तो शो हुए हैं कि करेक्टर जो था वो बोरिंग था लेकिन उसके डायलॉग्स बहुत ग्रेट थे. सो उस वे में हमने उस चीज़ को शो कर पाए. आंसर इज फ्रॉम हेयर डी. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18. द राइटर रेफर्स टू द क्लिक ऑफ द डोर टू मेक द पॉइंट दैट रियलिस्टिक साउंड. अभी राइटर ने क्या बोला कि जैसे अभी जब डोर बंद करते हैं तो हमें क्लिक साउंड सुनती है ना,
सो उसके बारे में, डोर बंद होने के बारे में, उस साउंड के बारे में उन्होंने बोला है कि वो रियलिस्टिक साउंड है. ऐसे क्यों? आंसर इज सी, मे बी मॉडिफाइड, कि ये जो साउंड्स हैं इनको हम चेंज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट द ऑडियंस रिस्पॉन्स टू द फिल्म, कि ऑडियंस कैसे फिल्म को लेकर रिस्पॉन्ड करती है, हम ऐसे साउंड्स को मॉडिफाई कर ऑडियंस के रिस्पॉन्स को भी चेंज कर सकते हैं. एवरी वन, जो सेकेंड पेज है ना हमारा, वहाँ पर आपको ये पैराग्राफ मिलेगा सिंक्रोनमी सिंक्रोनस साउंड वाला, वहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है. For example, the click of a door being opened may simply serve to convince the audience that the image or portrayed is real. कि अगर तो let's say किसी ने door को open किया या door को close किया, तो जो हमें sound सुन रहा है उस sound से audience को लगता है कि हाँ हाँ जो भी एक काम हो रहा है ना, ये सच्ची में हो रहा है, real में हो रहा है. And the audience may only subconsciously note the expected sound. और जो audience है उसको पता चल जाता है कि हाँ हाँ अभी हमें ये sound सुनने को मिलेगा ही मिलेगा. If the click of the opening door is part of the ominous action such as burglary, the sound mixer may call the attention to the click. अभी let's say अगर किसी ने वहाँ पर चोरी करनी है, so जो movie वाले होते हैं वो जानबूझकर वो click sound के ऊपर focus करते हैं. That means कि ये और भी realistic बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो सोचें कि हाँ पक्का यहाँ पर चोरी होने वाली है. So इसकी वजह से उनके responses को, उनके emotions को change किया जाता है, manipulate किया जाता है ऐसे sounds show कर. So यहाँ से everyone 18 का आंसर आ गया, that is our option. See, let's move to next category. ये हमें given है जी true false not के में. Question number 19 is, audiences are likely to be surprised if a film lacks background music. कि जो audience है वो पक्का surprise होएगी अगर film में background music है ही नहीं. Answer is true, कि ऐसा तो है. Everyone, ये आपको मिलेगा answer on the second page. जो आपको राइट हैंड साइड पर ये पैराग्राफ दिख रहा है, वी आर प्रोबेबली ऑल फेमिलियर, हम सभी जानते हैं विद द बैकग्राउंड म्यूजिक. हम सभी को पता है कि म्यूजिक में, फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, विच हैज बिकम सो यूबीक्वस. ये चीज बहुत ही यूबीक्वस होगी एवरीवन. यूबीक्वस का मतलब होता है बहुत ही कॉमन. ये चीज तो बहुत ही कॉमन हो गई है एज टू बी नोटिसेबल इन इट्स एब्सेंस. और अगर हमारे पास म्यूजिक नहीं होएगा तो हम इसको ईजिली नोटिस कर लेंगे. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया ट्रू, कि अगर तो म्यूजिक नहीं है जी हमारी फिल्म में तो हम क्या है सरप्राइज होएंगे, हम नोटिस कर लेंगे. आंसर इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 20th, बैकग्राउंड म्यूजिक में एंटीसिपेटेड डेवलपमेंट इन अ फिल्म. बैकग्राउंड म्यूजिक से हमें पता चलेगा कि हाँ फिल्म किस मोड की तरफ जा रही है. हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि अगर तो जो म्यूजिक की बीट है वो चेंज हो रही है, दैट मीन्स की फिल्म भी चेंज हो रही है. आंसर इज ट्रू, ऐसा भी है. अगेन सेकेंड पेज पर उसी पैराग्राफ में ना लास्ट लाइन हमने रीड करनी है. लास्ट लाइन में गिवन है, फॉर एग्जाम्पल डिसोनेंट साउंड डिसोनेंट म्यूजिक मे बी यूज इन फिल्म टू इंडिकेट एन अप्रोचिंग बट नॉट येट विजिबल मिनेंस और डिजास्टर. वो बोल रहे हैं कि ज़्यादा बीट वाला या ज़्यादा थोड़ा इमोशनल ज़्यादा ड्रामेटिक जो म्यूजिक है हम उसको यूज करते हैं ताकि हम ये दिखा सकें कि कभी कोई ना कोई आगे डिजास्टर होने वाला है, कभी ना कभी कोई सामने प्रॉब्लम आने वाली है. वो हमने प्रॉब्लम को शो नहीं किया लेकिन हमने सिर्फ म्यूजिक से ही बता दिया कि आगे आपको पक्का ना पक्का कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी मिलेगी. सो दैट मीन्स कि जो म्यूजिक है उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मूवी में फिल्म में क्या होने वाला है. आंसर इज ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 21, बैकग्राउंड म्यूजिक हैज मोर इफेक्ट ऑन सम पीपल देन ऑन अदर्स. बैकग्राउंड म्यूजिक का कुछ लोगों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, कुछ लोगों के ऊपर कम. आंसर इज नॉट गिवन. ये बोला ही नहीं कि कुछ लोगों के ऊपर ज्यादा पड़ता है, कुछ लोगों के ऊपर कम. सो आंसर नॉट गिवन है. क्वेश्चन नंबर 22, बैकग्राउंड म्यूजिक में हेल्प द ऑडियंस टू मेक सर्टेन कनेक्शंस विद इन द फिल्म. कि बैकग्राउंड म्यूजिक की हेल्प से जो ऑडियंस है ना वो स्टोरी को लिंक कर पाती है, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाती है फिल्म में. आंसर इज ट्रू, ऐसा है. और इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिल रही है अगेन ऑन सेकंड पेज लास्ट सेकंड पैराग्राफ, वो सारे पढ़ना पड़ेगा. जो बैकग्राउंड म्यूजिक है मे एड व्यूअर अंडरस्टैंडिंग बाय लिंकिंग सीन्स. बैकग्राउंड म्यूजिक से जो व्यूअर है वो सीन्स को लिंक कर सकता है, दैट मीन्स कि फिल्म में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकता है. जैसे कि एक म्यूजिकल थीम में क्या होएगा, इंडिविजुअल का करेक्टर उसको शो किया जाएगा कि ताकि वो ऐसे अपने आइडियाज शो कर सके. सो क्या होता है, अ पर्टिकुलर म्यूजिकल थीम एसोसिएटेड विद एन इंडिविजुअल करेक्टर और सिचुएशन में बी रिपीटेड एट वेरियस पॉइंट्स इन द फिल्म. कि अगर किसी मूवी में किसी करेक्टर की उन्होंने बात दिखानी है कि ये करेक्टर की हो रही है तो वो उसको एक पर्टिकुलर म्यूजिक दे देंगे, जब भी उस करेक्टर की टर्न आएगी वो ही सेम म्यूजिक जो है वो रिपीट होएगा. दैट मीन्स कि हमने उस करेक्टर को उस म्यूजिक से लिंक कर दिया. सो आपस के सीन्स भी लिंक हो गए. यहाँ से एवरीवन 22nd का आंसर आया कि कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है. आंसर फॉर दिस इज ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ऑडियंस टेंड टू बी अवेयर ऑफ हाउ द बैकग्राउंड म्यूजिक इज अफेक्टिंग देम.
ऑडियंस को पता होता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक उनको कैसे अफेक्ट कर रहा है. आंसर इज फॉल्स, उनको नहीं पता होता. अभी गिवन है जी लास्ट पैराग्राफ में. लास्ट पैराग्राफ में मूव कीजिए सारे बच्चे. सेंटर से हमने रीड करना है लाइन नंबर 5 से. येट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट एज वेल दैट साउंड इज ऑफन ब्रिलियंटली कंसीव्ड, कि साउंड को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाता है. द इफेक्ट्स ऑफ साउंड आर लार्जली आर ऑफन लार्जली सटल एंड ऑफन आर नोटेड बाय ओनली अवर सबकॉन्शियस माइंड, कि जो ये इफेक्ट है इसका, जो इफेक्ट पड़ रहा है साउंड का, वो सिर्फ हमारा सबकॉन्शियस माइंड पढ़ सकता है, कॉन्शियस माइंड नहीं पढ़ सकता. दैट मीन्स कि हम सभी अवेयर नहीं होते हैं इस चीज़ को लेकर. हम सभी को नहीं पता होता कि साउंड का हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है. सो आंसर फ्रॉम हेयर एवरी वन इज फॉल्स. वहाँ पर लिखा है कि ऑडियंस को पता होता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक उनको अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें तो पता ही नहीं हो रहा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है. नाउ एवरी वन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी. यहाँ पर क्या है, हमने हाफ ऑफ सेंटेंसेस को मैच करना है. क्वेश्चन नंबर 24 हेयर इज द ऑडियंस रिस्पॉन्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फिल्म कैन बी कंट्रोल. ऑडियंस अलग अलग म्यूजिक, अलग अलग फिल्म के पार्ट को कैसे रिस्पॉन्स करेगी, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आंसर इज सी, इफ वॉइस साउंड एंड म्यूजिक आर कंबाइंड अप्रोप्रिएटली. अगर हम इन तीनों चीजों को कंबाइन कर ले तो हम उसके उनके जो रिस्पॉन्स है उनको चेंज कर सकते हैं. एवरीवन इसकी लोकेशन आपको फर्स्ट पेज पर मिलेगी. सभी फर्स्ट पेज पर मूव करते हैं. पैराग्राफ नंबर 1 में सेंटर में से आपको रीड करना है जी, ऊपर से 7th-8th लाइन में. द एंटायर साउंड ट्रैक कंसिस्ट ऑफ 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स. पूरे के पूरे साउंड ट्रैक में 3 चीजें हैं, ह्यूमन की वॉइस है, साउंड का इफेक्ट है और म्यूजिक है. दीज 3 ट्रैक्स मस्ट बी मिक्स, इनको मिक्स करना पड़ेगा और बैलेंस करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस द नेसेसरी एम्फेसिस विच इन टर्न क्रिएट डिजायर्ड इफेक्ट. अगर हमने लोगों में इमोशन क्रिएट करना है तो हमें इन तीनों को बैलेंस भी करना पड़ेगा और मिक्स भी करना पड़ेगा. किन तीनों को? साउंड को, वॉइस को और म्यूजिक को. यहाँ से एवरीवन हमारा 24th का आंसर आ रहा है कि हमें अगर रिएक्शन चाहिए तो हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25. द फीलिंग्स एंड द मोटिवेशंस ऑफ करेक्टर्स बिकम क्लियर, कि करेक्टर क्या फील कर रहा है वो हमें तब क्लियर होता है जब आंसर इज ए, व्हेन द ऑडियंस लिसन टू द डायलॉग. जब ऑडियंस को डायलॉग के बारे में पता चलता है तब हमें पता चलता है कि हाँ करेक्टर क्या फील कर रहा है. अगेन फर्स्ट पेज एवरीवन, फर्स्ट पेज पर जो सेकेंड पैराग्राफ है ना, वहाँ से लिखा है लेट्स स्टार्ट विद द डायलॉग. As in the case with the stage drama, dialogue serve to tell the story and express the feelings. अभी हमें feelings किसने express की everyone? Dialogues ने. That means कि dialogue ही story बताते हैं, dialogues ही हमारी feelings को express करते हैं. यहाँ से 25th का answer आ गया कि dialogues जो हैं वो important होते हैं. Answer for this is A. Question number 26. A character seems to be a real person rather than an actor. जो character है वो हमें real ही लगेगा, actor नहीं लगेगा. कब? Answer is E. जब एक्टर की अपेयरेंस, उसकी वॉइस, उसके मूव सारे के सारे मैच कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है, तब हमें जो एक्टर है वो रियल पर्सन लगेगा, एक्टर नहीं लगेगा. अगेन सेकंड पेज पर ही, फर्स्ट पेज पर ही जो हमारे पास पैराग्राफ है ना, सेकंड, उसमें ये चीज़ गिवन है कि ऑफन विद फिल्म करेक्टराइजेशन द ऑडियंस परसीव्स लिटिल और नो डिफरेंस बिटवीन करेक्टर एंड एक्टर, कि करेक्टर और एक्टर में से जो ऑडियंस है उसको डिफरेंस ही नहीं लगता कोई. अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी जो फिल्म की पर्सनैलिटी है ना, क्योंकि उनकी जो फिल्म की पर्सनैलिटी है प्लस उनकी जो लाइफ की पर्सनैलिटी है वो सेम हो जाती है. कैसे? जैसे कि उनकी वॉइस जो है वो सेम हो जाती है. जब वॉइस जो फिट करती है, जेस्चर्स फिट करते हैं, तब जो उनकी सारी की सारी फिल्म है ना, तब जो उनको एक इंसान है वो रियलिस्टिक लगने लग पड़ता है. दैट मीन्स कि एक बंदा, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी वॉइस, उसका वॉइस का टेक्सचर, सब कुछ जब मैच करता है तो उनको डिफरेंस ही नहीं पता चलता. सो यहाँ से एवरीवन 26 का आंसर आ गया, विच इज अवर ऑप्शन नंबर ई. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पैसेज. लास्ट पैसेज का हमारे पास नेम क्या है जी? लास्ट पैसेज नेम इज दिस मार्वलस इन्वेंशन. सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी है लिस्ट ऑफ हेडिंग. क्वेश्चन नंबर 27 पैराग्राफ ए इज आंसर है 6, विच इज व्हाई लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ ऑल. लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हमारे पास क्यों है? एवरीवन ए पैराग्राफ में मूव करते हैं. यहाँ पर हमें रीड करना पड़ेगा फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. यहाँ पर लिखा है ऑफ ऑल मैनकाइंड्स मैनिफोल्ड क्रिएशन, जितनी भी आज तक ह्यूमन ने इन्वेंशन किया जी, क्रिएशन की है, लैंग्वेज मस्ट टेक द प्राइड ऑफ द प्लेस. लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छी वाली थी. अदर इन्वेंशन व्हील, एग्रीकल्चर, स्लाइस ब्रेड मे हैव ट्रांसपोर्ट अवर मटीरियल एग्जिस्टेंस, कि बाकी इन्वेंशन ने हमारी जो
ये मटीरियलिस्टिक जो हमारी दुनियावी जरूरतें वो पूरी करने की कोशिश की है, बट लैंग्वेज ने हमें एक ह्यूमन बनाया है. द एडवेंट ऑफ लैंग्वेज इज वट मेड अस ह्यूमन. सो लैंग्वेज जो है, जो अभी हमने लैंग्वेज की इन्वेंशन किया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ से एवरीवन हमें पता चल गया कि ऑप्शन ए, पैराग्राफ ए का आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 6, कि लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन क्यों है, क्योंकि इसने हमें ह्यूमन बनाया है. क्वेश्चन नंबर 28, पैराग्राफ बी, आंसर फॉर दिस इज 4. अपेरेंटली इनकम्पैटिबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, कि जो लैंग्वेज है ना वो काफी डिफरेंट है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इनकम्पैटिबल है, एकदम एक दूसरे से सूट नहीं कर रही, मैच नहीं कर रही है. लेट्स मूव टू बी पैराग्राफ एवरीवन. बी पैराग्राफ में मूव करते हैं. बी पैराग्राफ में अगर मूव करते हैं, सारी की सारी उसी की बात हुई है, लेकिन हम लास्ट से रीड कर लेते हैं. लास्ट थर्ड लाइन में लिखा है जी, लैंग्वेज इज मैनकाइंड्स ग्रेटेस्ट इन्वेंशन. सबसे बढ़िया इन्वेंशन ही लैंग्वेज है. एक्सेप्ट, लेकिन ऑफ कोर्स दैट इट वाज नेवर इन्वेंटेड. ये एक बात है कि इसको हमने कभी इन्वेंट करने की कोशिश ही नहीं की, ये सब अपने आप ही हो गया. दिस अपेरेंट पैराडॉक्स इज एट द कोर ऑफ अवर फैसिनेशन विद लैंग्वेज एंड इट होल्ड्स मेनी ऑफ अवर सीक्रेट. यही एक चीज है जिसकी वजह से हम लैंग्वेज को लेकर इतने फैसिनेटेड हैं, इतने अचंबक रहते हैं, और इसके साथ ही इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स भी हैं. इवन अगर आप ऊपर से भी रीड करो, यहाँ पर लिखा है कि द लैंग्वेज जो है इज फॉरमोस्ट नॉट जस्ट बिकॉज इट केम फर्स्ट. लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि सबसे पहले ही है. इन इट्स ओन राइट इट्स अ टूल ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सोफिस्टिकेशन, कि ये हम बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन से इसको यूज करते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही सिंपल है. सो इतनी मुश्किल भी है, सोफिस्टिकेटेड भी है, फिर भी ये सिंपल है. सो इस चीज को लेकर जो लैंग्वेज है वो काफी डिफरेंट है, सेम भी है, लेकिन उसी टाइम पर वो डिफरेंट भी है. सो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो काफी इनकम्पैटिबल है. यहाँ से हमारा आंसर आ गया 4th. क्वेश्चन नंबर 29, पैराग्राफ सी, आंसर फॉर दिस इज 2. द वे इन विच अ फ्यू साउंड्स आर ऑर्गेनाइज टू कन्वे अ ह्यूज रेंज ऑफ मीनिंग, कि कुछ ही साउंड्स को मिलाकर हम बहुत ही बड़ा सा एक मीनिंग जो है, एक सेंटेंस जो है वो बता सकते हैं. लेट्स मूव टू सी पैराग्राफ. सी पैराग्राफ की ना 4th लाइन में हमें गिवन है बहुत सारे अल्फाबेट्स. वहां पर लिखा है अमाउंट टू नथिंग मोर देन फ्यू हाफ एज आर्ट स्पिट्स एंड स्प्लैटर. अगर हम इन वर्ड्स को कॉम्बिनेशन में यूज भी कर लेना, किसी भी कॉम्बिनेशन में यूज कर ले, रैंडम नॉइजेस भी बना ले जिसका कोई मीनिंग भी नहीं है, जिसे हम कुछ एक्सप्रेस भी नहीं करते, जिसमें कोई पावर भी नहीं है, लेकिन फिर अगर हम इसको ऑर्गेनाइज करें, अगर हम इसको लैंग्वेज की मशीन में डालिए, सारे के सारे वर्ड्स में इसको अरेंज करें स्पेशल ऑर्डर में, तो कोई भी चीज यहाँ पर मीनिंगलेस नहीं है. हर एक ना हर एक चीज का अपना एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही फंडामेंटल मीनिंग बनेगा. दैट मीन्स की वैसे तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम लैंग्वेज की तरह इन साउंड्स को यूज करें तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है. दैट मींस कि अभी यहाँ पर क्या हुआ कि जो साउंड्स हैं, थोड़े से साउंड्स हैं, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग कन्वे कर देते हैं. आंसर फ्रॉम हियर इज 2. क्वेश्चन नंबर 30th, पैराग्राफ डी, आंसर फॉर दिस इज 7. द यूनिवर्सल एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज, की लैंग्वेज को कोई भी बंदा यूज कर सकता है, पूरी दुनिया में यूनिवर्सल एबिलिटी है हर एक इंसान के अंदर. इसकी लोकेशन मिल रही है डी पैराग्राफ की 1st लाइन में. The most extraordinary thing about language, however, is that one does not have to be genius to set its wheels in motion. कि extraordinary बात language को लेकर ये है कि किसी भी इंसान को great knowledge नहीं होनी चाहिए, उसको genius नहीं बनना पड़ेगा language सीखने के लिए, वो बहुत ही simple way में भी language सीख सकता है. Language machine allow just about everybody from pre-modern forager to subtropical savanna to post-modern philosopher in the suburban स्प्रॉल. वो बोलते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान हो, कैसा भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, किसी भी एरिया का हो, कोई भी बंदा लैंग्वेज को यूज कर सकता है. दैट मींस कि लैंग्वेज यूनिवर्सल होगी. यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ रहा है 30th का, विच इज ऑप्शन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 31, पैराग्राफ ई, आंसर फॉर दिस इज 1. डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेजेस हाईलाइट देयर इंप्रेसिवनेस. जैसे जैसे लैंग्वेजेस में डिफरेंसेज है, उतनी ही चीज वो इंप्रेसिव बन जाती है, शॉकिंग बन जाती है. नाउ 31 क्वेश्चन everyone, let's move to paragraph E, starting से read करेंगे. Often it is only an estrangement of foreign tongues, कि foreign languages या हम इनको बस change करते रहते हैं, with their many exotic and outlandish feature. हर एक language का अपना एक different feature है, that brings home the wonder of the language design, जो हमें इतना चौंका देता है, जो हमें इतना wonder, मतलब shocking, surprising चीज देती है language. One of the showiest stunt that some languages can pull off is an ability to build a word of breathtaking length. कि एक
कोई चीज है, मतलब शो ऑफ करने की बात है वैसे तो, लेकिन एक कुछ लैंग्वेजेस ऐसे काम भी कर सकती हैं, वो इतना लंबा वर्ड बनाएंगी जो हमें ऐसे ऐसी चीज एक्सप्रेस कर सकता है, डज एक्सप्रेस इन वन वर्ड बट इंग्लिश टेक्स अ होल सेंटेंस टू से. सो कुछ लैंग्वेजेस कुछ कंट्रीज में ऐसे बड़े बड़े शब्द भी हैं जो पूरा एक सेंटेंस जो इंग्लिश का है उसके इसको एक्सप्रेस कर दें. जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है टर्किश वर्ड, जो ये बड़ा सारा वर्ड है, ठीक है. इसका मीनिंग क्या है? You are one of those whom we can't turn into a town dweller. कि आप वो एक इंसान हो जिसको हम एक गांव का इंसान नहीं बना सकते. ये सिर्फ एक वर्ड ने पूरे के पूरे इंग्लिश के सेंटेंस को हमें सिर्फ एक्सप्रेस करके बता दिया, मीनिंग बता दिया. दैट मीन्स कि हर एक लैंग्वेज हर एक एरिया में उसके पास डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो होंगी, और वो चीज़ हमें शॉक कर देती है, वो चीज़ हमें वंडरफुल लगती है. यहाँ से एवरीवन हमारा ई पैराग्राफ का आंसर आ रहा है कि जो लैंग्वेजेस है वो डिफरेंट है, राइट, डिफरेंसेज है लैंग्वेजेस में, और वही चीज़ हमें इंप्रेसिव लग रही है. नाउ लेट्स मूव टू 32 क्वेश्चन, पैराग्राफ एफ, आंसर फॉर दिस इज 5. इवन साइलेंस कैन बी मीनिंगफुल. कभी कभी ना जो चुप्पी हमारी होती है वो भी हमें बहुत बड़ा मीनिंग दे देती है. एफ पैराग्राफ में मूव करते हैं, लास्ट के कुछ लाइन्स रीड करेंगे. लास्ट फोर्थ लाइन में, माइंड यू अ वेरी पर्टिकुलर काइंड ऑफ नथिंग, द नथिंग दैट स्टैंड्स इन द एम्प्टी स्लॉट इन द मिडल. कि आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई चीज़ अगर ना हो तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. द टेक्नोलॉजी सो फाइन ट्यून्ड देन दैट इवन अ नॉन साउंड व्हेन केयरफुली प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर पोजीशन हैज बीन इन्वेस्टेड विद अ स्पेसिफिक फंक्शन. कि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि जब हम चुप रहते हैं, जब कोई साउंड भी नहीं प्रोड्यूस होता, तो भी उसका एक स्पेसिफिक, उसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है. दैट मीन्स कि जो हम पॉज लेते हैं उसका भी बहुत ज़्यादा ग्रेट जो फंक्शन है वो उसको सर्व करता है. सो यहाँ पर नॉन साउंड की बात हुई, दैट मीन्स कि साइलेंस, साइलेंस की भी अपनी इंपॉर्टेंस है. यहाँ से आ गया पैराग्राफ का आंसर, दैट इज 5. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी. नेक्स्ट कैटेगरी एवरीवन हमें गिवन है, दैट इज नथिंग एल्स देन ब्लैंक्स. हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, हमने सिर्फ एक करेक्ट आंसर लिखना है. इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, क्वेश्चन नंबर 33. द व्हील इज वन इन्वेंशन दैट हैज मेड अ मेजर इंपैक्ट ऑन डैश एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. व्हील एक ऐसी इन्वेंशन है जिसने हमारी जिंदगी में किस तरीके से इंपैक्ट किया है. कौन से तरीके से, किस चीज के ऊपर इंपैक्ट किया? आंसर इज ई, मटीरियल के ऊपर इंपैक्ट किया है. एवरीवन ए पैराग्राफ में हमने ये चीज पढ़ी थी. ए पैराग्राफ में मूव करते हैं, लाइन नंबर 2 में लिखा था, अदर इन्वेंशन जैसे कि व्हील, एग्रीकल्चर, स्लाइस ब्रेड मे हैव ट्रांसफॉर्म, उन्होंने चेंज किया है अवर मटीरियल एग्जिस्टेंस, हमारी मटीरियल लाइफ को उन्होंने चेंज किया है. यहाँ से हमारा आंसर आया 33 का, दैट इज मटीरियल ऑप्शन ई. क्वेश्चन नंबर 34, बट नो इम्पैक्ट हैज बीन एज डैश एज दैट ऑफ लैंग्वेज. लेकिन कोई भी इम्पैक्ट लैंग्वेज जितना बड़ा नहीं था. आंसर इज जी, यहाँ से फंडामेंटल मतलब ग्रेट, कोई भी जो इफेक्ट था वो लैंग्वेज जितना बड़ा तो नहीं था. एवरीवन अगेन इन सेम पैराग्राफ, उसी पैराग्राफ में लाइन नंबर 3 में लिखा है, कंपेयर टू लैंग्वेज, अगर हम इसको कंपेयर करें लैंग्वेज के साथ, ऑल अदर इन्वेंशंस पेल इन सिग्निफिकेंस, बाकी सभी के सभी जो इन्वेंशंस हैं वो फीकी पड़ जाती हैं इम्पोर्टेंस में, सिग्निफिकेंस में जो उसकी इम्पोर्टेंस है उसकी सभी की फीकी पड़ जाती है. यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ गया कि जो लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल है. आंसर इज जी. क्वेश्चन नंबर 35, लैंग्वेज इज वेरी डैश, लैंग्वेज कुछ होती है. आंसर इज बी, कॉम्प्लेक्स एंड कंपोज ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ साउंड, बहुत ही कम साउंड से बनी है लेकिन फिर भी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. एवरीवन सेकंड पैराग्राफ में मूव करना, वहां से आपको इसका आंसर मिलेगा बी पैराग्राफ में. यहाँ पर लिखा है, लैंग्वेज इज फॉरमोस्ट नॉट जस्ट बिकॉज इट केम फर्स्ट, इन इट्स ओन राइट इट इज अ टूल ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सोफिस्टिकेशन. लैंग्वेज इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो फर्स्ट है, लैंग्वेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही ऑर्गेनाइज है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही सिंपल है. This marvelous invention of composing out 25 or 30 sounds that infinite variety of expressions. वो बोल रहे हैं सिर्फ 25 या 30 sounds को use कर ही हम इतनी great, इतने ज़्यादा variety of expressions दे सकते हैं. That means कि थोड़े से sounds को use कर हम इतनी complex meanings को, feelings को express कर सकते हैं. यहाँ से everyone हमारा answer आ गया कि language जो है वो बहुत ही complex है, चाहे उसमें थोड़े से sounds भी हैं. Now let's move to next question. लैंग्वेज अपीयर्स टू बी डैश टू यूज, लैंग्वेज हमें ऐसा लगता है कि यूज करनी बहुत ईजी है. आंसर इज एफ. अभी इसकी लोकेशन हमें मिल रही है इन द पैराग्राफ दैट इज ओके. सो पैराग्राफ नंबर डी एवरी वन,
बी पैराग्राफ में आपको गिवन है यहाँ पर नीचे से फोर्थ लाइन में, येट इट इज प्रिसाइसली दिस डिसेप्टिव ईज विद विच लैंग्वेज अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस सिंस इन एवरी डे इट ट्राइम्स आर यूजुअली टेकन फॉर ग्रांटेड, कि ये अपने जो लैंग्वेज है ना ये अपने हम कह सकते हैं औजार का अपने आप ही विक्टिम बन गया, अपने आप ही उसको उसने अपने आप का कत्ल कर लिया। कैसे? कि लैंग्वेज को सीखना बहुत ईजी है, ये तो ईजिली हम सीख लेते हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम में हम उसकी इम्पोर्टेंस नहीं जान पाते, हम उसको अभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, दैट मीन्स हम इसकी वैल्यू को नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको सीखना बहुत ही ईजी है। यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ रहा है कि लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ईजी है सीखने के वास्ते, जिसको हम अभी इसके उसकी सोफिस्टिकेशन को ओवरलुक कर रहे हैं, हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। सो यहाँ से आ गया हमारा आंसर 36 का, दैट इज एस। नाउ लास्ट कैटेगरी, दैट इज येस नो नॉट गिवन, क्वेश्चन नंबर 37। ह्यूमन बींग्स माइट हैव अचीव देयर प्रेजेंट पोजिशन विदाउट लैंग्वेज। जो भी अभी तक ह्यूमन ने अचीव किया है वो अचीव कर सकता था अगर लैंग्वेज ना होती। आंसर इज नो, वो कभी भी अचीव ना कर पाता ये सब कुछ। इसकी लोकेशन गिवन है एवरी वन इन द मूव टू द फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज पर जो आपको पैराग्राफ नंबर ए गिवन है ना, वहां पर लास्ट लाइन्स में लिखा है जी, विदाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बिना वी कुड हैव नेवर एम्बार्क्ड ऑन अवर एसेंट टू अनपैरेलल्ड पावर, कि जो हमने इतनी पावर गेन की है ना वो हम कभी ना ले पाते अगर हमारे पास लैंग्वेज ना होती। दैट मीन्स कि लैंग्वेज की हेल्प से ही हमें ये सारी पावर मिली है। सो 37 का आंसर कॉन्ट्रडिक करके हो गया नो। क्वेश्चन नंबर 38, द पोर्ट रॉयल ग्रामेरियंस डिड जस्टिस टू द नेचर ऑफ द लैंग्वेज। जो पोर्ट रॉयल ग्रामेरियंस थे उन्होंने जो लैंग्वेज है उसको जस्टिस की, कि हाँ उन्होंने सही तरीके से उसकी ग्रामर को सॉल्व किया था। आंसर इज यस, ऐसे तो था। फर्स्ट पेज पर अगेन मूव करना सारे बच्चे, पैराग्राफ नंबर आपको मिलेगा एवरीवन बी। बी पैराग्राफ में ना सेंटर में लिखा होगा कहीं पर, दिस वॉज हाउ इन 1660s द रिनाउंड फ्रेंच ग्रामेरियन ऑफ पोर्ट रॉयल एबे नियर वर्सेलेस डिस्टिल्ड द एसेंस ऑफ लैंग्वेज। उन्होंने जो लैंग्वेज थी उससे उसका एसेंस निकाला। एंड नो वन सिंस हैज सेलिब्रेटेड मोर एलोक्वेंटली द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स अचीवमेंट। और उस टाइम पर वो अचीवमेंट काफ़ी ग्रेट थी, उसके जैसा अभी कुछ नहीं हुआ। दैट मीन्स कि फ्रेंच ग्रामेरियन ने बहुत अच्छे तरीके से ग्रामर को, लैंग्वेज को यूज किया था। सो यहाँ से एवरीवन 38 का आंसर आ गया, विच इज येस। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 39। अ कॉम्प्लेक्स आइडिया कैन बी एक्सप्लेन्ड मोर क्लियरली इन अ सेंटेंस देन इन अ सिंगल वर्ड, कि एक जो बहुत ही डिफिकल्ट आइडिया है उसको हम इजिली बता सकते हैं एक सेंटेंस में रैदर देन अ वर्ड। आंसर इज नॉट गिवन, इसकी बात नहीं हुई। मे बी आपको लग सकता है कि जो वो हमें एक एग्जाम्पल दी थी एक वर्ड की, उससे पता चल ई पैराग्राफ में, यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि एक वर्ड है इसका मीनिंग ये बड़ा सारा बन रहा है, लेकिन ये तो नहीं बोला ना कि एक वर्ड से या एक सेंटेंस से हम क्लियरली मीनिंग बता सकते हैं, इसकी बात बिल्कुल भी नहीं हुई है। सो आंसर वो नॉट गिवन बन गया। Now last question, the Sumerians were responsible for starting the recording of events. जो Sumerians थे उन्होंने events को record करना start किया था। Answer is yes. Everyone, last paragraph में Sumerians की बात हुई है ना, first line से read करना है paragraph में। And if that sounds like some off one off freak, then consider Sumerians. Sumerian की बात करो, the language spoken on the banks of Euphrates, yes. तो जो सुमेरियन है वो एक लैंग्वेज है जो हम रिवर के किनारे में, यूफ्रेट्स के किनारे में यूज करते हैं, सम 5000 years ago, 5000 साल पहले यूज करनी स्टार्ट की, बाय पीपल हु इन्वेंटेड राइटिंग। फिर लोगों ने उन लोगों ने ही राइटिंग को इन्वेंट किया था, एंड डज इनेबल द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हिस्ट्री। और उनकी वजह से ही हम ये हिस्ट्री को सारी को लिख पाए थे। किनकी वजह से? सुमेरियंस की वजह से। सुमेरियंस कौन थे? जो लोग उन उस लैंग्वेज को बोलते थे। सो सुमेरियंस ही थे जिन्होंने इवेंट्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया, डॉक्यूमेंटेशन करनी स्टार्ट की। आंसर फ्रॉम हियर इज येस। सो दिस इज एंड ऑफ योर रीडिंग एक्सप्लेनेशन एवरीवन। आई होप आपको सारे के सारे आंसर्स अभी समझ लग गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कॉमेंट कर बता दीजिए आपको कौन सी और वीडियोज देखनी है। थैंक यू एवरीवन।